बाबा नीम करोली जी का नाम तो आप सबने सुना होगा। देश विदेश सब जगह ये नीम करोली बाबा का आश्रम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपको दिखाऊं कि नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने के लिए आप कैसे पहुंच सकते हो। तो हमने उसके लिए बाय रोड प्लान किया जाने के लिए, तो हम पहुँच चुके हैं दिल्ली से निकल कर काठगोदाम, और काठगोदाम से 35 किलोमीटर होगा कैची धाम बाबा नीम करोली जी का आश्रम। तो वहाँ पहुँच गए। अब उसके बाद हमने चेक इन किया अपने फैमिली होम स्टे में, द पेरिविंकल फैमिली होम स्टे। बहुत ही वेल मेंटेन प्रॉपर्टी थी। अगर आप भी जाओ तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करना। एकदम लेक व्यू मिलेगा आपको, लेक के सामने ही है ये। इसके रूम के जस्ट सामने बालकनी से आपको बहुत अच्छा व्यू मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पर चेक इन करने के बाद थोड़ी सी की केक पूजा, जिसके लिए हमें निकलना पड़ा बाहर। और यहाँ पर आपको छोटी छोटी सी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, थोड़ी बहुत शॉपिंग। और बहुत ही बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि हम लोग रुके थे भीमताल में, नैनीताल हम नहीं जा पाए थे, क्योंकि 15 जून को यहाँ पर जो मेला लगता है बाबा जी का, उसके कारण बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और हम आ गए खाने के लिए इस रेस्टोरेंट में, हमने लिया थोड़ा सा स्नैक्स, और उसके बाद हम आए मस्ती करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इस लेक पे। यहाँ पर हमने की बोटिंग, बहुत अच्छा लग रहा था, वेदर काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, पैराग्लाइडिंग और पैरासूट, बहुत सारी चीज़ें थी, मगर हर चीज़ का टाइम होता है। और ये है पहाड़ी फ्रूट्स, जो आपको जो भी खाते हो जिन्हें पसंद हो वो ले सकता है, इसका भी आनंद उठा सकते हैं आप। और ये हाथ वाली भी बोट थी, और ये पैडल वाली भी बोट यहाँ पर थी, तो जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। हाँ, मैं बात कर रही थी पैराग्लाइडिंग की, तो हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। हम यहाँ पर थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं हम कर पाए थे, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी थे। तो हमने ये पैडल वाली बोट राइड लिया, और इसके बाद थोड़ी देर हम लेक पे बैठे, ये लेक के किनारे, और बस धीरे धीरे हमारा टाइम ऐसे कटता गया। Yeah, I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'd stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Can you stick through it with me or not? And it might take a minute, but we'll get it. The type of love that you want. मुझे चाहिए पिज़्ज़ा। बाय बाय पिज़्ज़ा। रायु कब बाय बाय कर दो डको। बाय बाय। किधर जा रहे हो रायु? ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ मैं भी। मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ।
और ये है हमारा होम स्टे जहाँ पर हम रुके थे। रूम्स बहुत अच्छे, स्पेशियस, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन, बहुत ही अच्छा था। आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना जो भी यहाँ जाए। यहाँ पर पार्किंग भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और चलिए दिखाते हैं कि अंदर से हमारा रूम कैसा था। तो ये मैं इसके बैक डोर से एंट्री कर रही हूँ, फ्रंट वाला लॉक था। तो बैक डोर से एंट्री करने पर ये सबसे पहले आपको मिलेगा एक किचन। ये हमारा टू रूम्स का सेट था क्योंकि हमारे साथ एक फैमिली और गई हुई थी। तो इसमें यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ्रिज, ये हमारा फर्स्ट रूम है। इसमें आपको एक टीवी है, कबर्ड है और मिरर है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये एक छोटा सा फ्रिज, डाइनिंग टेबल, और ये हमारा बाहर का ये हॉल आप कह सकते हो, या सिटिंग एरिया जो भी था, चेयर्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, कर्टन और आप जो भी बोलो, स्पेस बहुत अच्छा था। और इसके बाद ये था हमारा सेकंड रूम, इसमें भी आपको वही एक टीवी था और बेड बहुत अच्छे थे, वॉशरूम बहुत अच्छा था। और ये है फाइनल यहाँ से बालकनी का व्यू, यहाँ से ये लेक। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको रूम छोटे भी मिले मगर वो साफ होने चाहिए। फर्नीचर मैटर नहीं करता, बस थोड़ा सा साफ सफाई मैटर करती है, तो वो हमें यहाँ पर प्रॉपर मिली। वॉशरूम वगैरह बहुत ही नीट एंड क्लीन थे, तो आप इसको ज़रूर एक बार विज़िट कर सकते हो जो भी आना चाहे। आपको इसमें यहाँ पर फ्रंट में मैं इसके फोर्स का फ़ोन नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिसको भी आना हो। और हो जाती है फिर यहाँ पर रात, और लेक व्यू का बाहर बहुत अच्छा एक माहौल बना हुआ था कि गाना वगैरह चल रहा था शाम को, बहुत अच्छा था। बस फिर हम आते हैं डिनर के लिए अपने उसी पुराने रेस्टोरेंट में जिसमें हम तो गुड मॉर्निंग, ये है सुबह के बजे हैं 6 और हम सब रेडी हो गए हैं कैची धाम के लिए जिसके लिए हम आए थे। तो बस रात भर सोने के बाद, आराम करने के बाद सब लोग नहा के रेडी हो चुके हैं और हम यहाँ से निकलने वाले हैं कैची धाम के लिए। यहाँ से आधे से एक घंटे हमें लगेंगे पहुँचने के लिए। हमने जल्दी, बहुत जल्दी सब लोग रेडी हो गए थे कि हमें वहाँ पर लाइन ना लगाना पड़े। हमने सोचा कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे, मगर वहाँ चलकर तो नज़ारा कुछ और ही था। हमसे भी पहले लोग आ चुके थे और एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो ये है रास्ते का व्यू, आप भी इंजॉय करो मेरे साथ और बोलो नीम करोली बाबा की जय। बस हम पहुंचने वाले हैं नीम करोली बाबा के आश्रम। ये देखिए दूर से आप देख रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तो यहाँ पर 15 जून के मेले की तैयारी चल रही थी और दूसरा यहाँ पर लोग बहुत पहले से आ चुके थे। रोड तो ये पूरा, ये आपको सुबह 7 बजे का ये टाइम होगा और पार्किंग, और आप भीड़ देख सकते हो, ये पार्किंग है यहाँ की जो पूरी फुल हो चुकी थी। हमें लगा कि हम ही सबसे पहले आ रहे हैं मगर ऐसा नहीं था, लोग यहाँ पर 3-4 बजे से भी लाइन लगाए हुए थे। तो बस थोड़ा धूप थी, गर्मी थी, मगर कोई बात नहीं, जब दर्शन करने आए हैं तो गर्मी क्या और धूप क्या। ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक कि ये इतनी लंबी लाइन, और गाड़ी हमारी वहीं पे पार्क हो गई थी, थोड़ा समय पैदल चलकर आना पड़ा। और लाइन बहुत कोई भगदड़ टाइप की ऐसी कोई लाइन नहीं थी, आप आराम से धीरे धीरे चल चल के आप दर्शन कर सकते हो। करीब आधे घंटे की वेटिंग पे, मतलब लाइन में लगने पे हमें दर्शन हो गए थे।
तो ये है कैची धाम। इतने दिन से जब आप किसी चीज़ को चाहो कि जाना है और वो आपके सामने हो तो आप क्या ही फील कर सकते हो, बस कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बस मैं यही कहूँगी कि जिनको जाकर इनकी मन्नत पूरी हुई है तो कुछ लोगों जो नहीं पहुँच सकते उनको देखकर और महसूस करके भी बाबा जी उनकी सुने, जो अपनी तकलीफ़ है सबका भगवान उनका कष्ट दूर करें, उनका सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमारे बाबा के पास है। लोग कहते हैं ना कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो लोग यहाँ पर आते हैं कि अब कुछ तो मेरी ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिलेगा, तो शायद यही सोचकर सारे लोग यहाँ पर आते होंगे कि कुछ तो अच्छा होगा हमारे साथ। तो बस हमारा दर्शन हो गया, अंदर अलाउ नहीं था कैमरा तो हमने कोई भी फ़ोटो शूट या कोई भी वीडियो कुछ भी ऐसा नहीं किया और बस दर्शन के बाद हम यहाँ से निकल गए। और यही कहना चाहेंगे कि आप भी ज़रूर आओ, आप 2 दिन का ट्रिप अपना फाइनल कर सकते हो। तो आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।